तो गाइस आज मैं एक ऐसी सीरीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि ना कोई बड़े सुपरस्टार के ऊपर बेस्ड है ना कोई रियल लाइफ सुपर हीरो के ऊपर। ये एक जादूगर के ऊपर बेस्ड है जिनका नाम है हमारे अलक पांडे, जिनका ब्रांड नेम है फिजिक्स वाला, जो कि आप सबने सुना होगा। इनका क्रेज इतना ज्यादा है बच्चों के बीच में कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इनके बच्चे डाईहार्ड फैन है। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है या आपका बेटा स्टूडेंट है या आप खुद स्टूडेंट है तो आपने अलक सर का नाम ना सुना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने अलक सर का नाम नहीं सुना तो आप स्टूडेंट नहीं हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने अलग सर का नाम जरूर सुना होगा। फिजिक्स वाला इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है आज के टाइम में कि आप अधिकतर स्टेट में अगर इंडिया को खोज लोगे तो उनका एक ब्रांड वैल्यू के नाम से कोचिंग चलता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रांची शहर में रहता हूं और यहां पे भी फिजिक्स वाला का एक कोचिंग चलता है जहां पे बच्चे लोग जाते हैं। तो फिजिक्स वाला बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, तो उन्हीं के ऊपर पूरी बेस्ड एक पूरी रियल लाइफ स्टोरी बनाई गई है जो कि उनको दर्शाती है कि वो कितना ज्यादा डाउनफॉल देखे अपने लाइफ में और ऐसे इतना बड़ा ब्रांड नेम कैसे बनाए, वो इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी कैसे खड़ा की, सब कुछ इसमें दिखाया गया बेहतरीन तरीके से। तो इस सीरीज के ऊपर बात करते हैं कि सीरीज आपको देखनी चाहिए कि नहीं, और मैं इतने दिन बाद देख रहा हूँ सीरीज निकलने के बाद तो मेरे को कैसी लगी, और फिर भी आपको अगर नहीं देखे तो देखना चाहिए कि नहीं, सब कुछ बताऊंगा मैं। तो ये अलग सर के ऊपर बेस्ड है, अलग सर की पूरी लाइफ हिस्ट्री दिखाई गई है कि उनको लाइफ में कुछ फिक्स नहीं होता कि करना क्या। जब वो कॉलेज में होते हैं और उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है तो खोज रहे होते हैं करना क्या, उसके दीदी इनको फोर्स कर रहे थे क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होते। तो इसी बीच में खोज रहे होते हैं कि हमको करना क्या, मेरा लाइफ का उद्देश्य क्या है, और इसी खोजबीन में वो देखते हैं एक दिन कोचिंग को कि कोचिंग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पे हायरिंग चल रही है फिजिक्स वाले टीचर की। फिजिक्स जाते हैं वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं। ये सीन एपिसोड वन का है जो कि बहुत ही इपिक सीन है जहाँ से आपका इंटरेस्ट दुगना हो जाता है देखने का सीरीज को। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो जो इंटरव्यू देते हैं और उनसे लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो कुछ जवाब नहीं देते हैं और सडनली 2 मिनट के बाद सारे के सारे आंसर देते हैं इतने बेहतरीन तरीके से कि आपके होश एकदम उड़ जाते हैं कि क्या बेहतरीन दिखा रहा है भाई। उसके बाद एपिसोड बाय एपिसोड बढ़ती है, इसमें पाई का वैल्यू बताता है, उनके लाइफ के डाउनफॉल दिखाते हैं कि उनका पहला ब्रेकअप हुआ था तो वो कैसे फेज में चल गए थे, फिर उससे उभरने के लिए वो दूसरा रिलेशनशिप में जा रहे थे लेकिन फाइनली जब गए तो कितना हिम्मत से गए, और उसके बाद फिर जब उनका वहाँ पे कट गया तो उसके बाद इतना डाउनफॉल देखने के बाद वो कहाँ गए, कैसे अपने आप को कमबैक किए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन भी मिलता है कि अगर आप भी इतना डाउनफॉल देख रहे हैं तो आप भी उठ सकते हो जब अलग सर उठ सकते हैं। तो उनके बाद वो दिखाएं कि वो कैसे यूट्यूब पे आए, उनकी जो यूट्यूब की जर्नी थी वो कैसे है, और उनका पहला वीडियो जो वायरल हुआ E=MC² वो क्यों हुआ, और उनका पहला टैटू जो था वो पाई का टैटू क्यों था, क्योंकि वो पाई का वैल्यू समझाते हैं कि स्टूडेंट को, और E=MC² जो उनका वीडियो वायरल हुआ था इसलिए दूसरा टैटू बनवाया था वो E=MC² का, सब कुछ इसमें बहुत ही वैल्यू एडेड बेस्ट पे दिखाया गया है जो आपको पूरी अच्छे से समझ में आया। और उनकी लाइफ का डेप्थ दिखाया गया कि उनका जो डेप्थिंग किया गया लाइफ का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कि ऐसे हुआ था सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीरीज में किया गया, जिससे आप रियली कनेक्ट होते हो उनकी डेप्थ से, उनकी फीलिंग से कनेक्ट होते हैं, उनके इमोशन से कनेक्ट होते हैं। और उनका डाउनफॉल दिखाता है इसमें, जब वो बड़ी कंपनी शुरू कर दी, अपने ऐप शुरू कर दिए तो अनअकैडमी वाला है सीरियसली इसमें दिखाया गया। अनअकैडमी का नाम डायरेक्ट नहीं लिया गया लेकिन मेरे को पता है और सारे स्टूडेंट को पता है कि वो अनअकैडमी था जो उनके टीचर को चुरा रहा था, उनका कंपनी को गिराने पे लगा हुआ था या फिर फिजिक्स वाला को नीचे गिराने पे लगा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिजिक्स वाला वहीं का वहीं खड़ा रहा। तो इसमें दिखाया गया एक लाइफ की जर्नी फिजिक्स वाला की, एक लाइफ बंदा कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है और नीचे गिरने के बाद कैसे उठ सकता है, मतलब आप सोचे नहीं होंगे कि आप वो एक बंदा इतना ज़्यादा नीचे गिर के भी वापस उठ सकता है। तो वो फिजिक्स वाला है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में डाउनफॉल देखा है, इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखा उसके बाद भी वो बंदा डट के खड़ा रहा और इतिहास बना दिया। क्योंकि कुछ लोग आते हैं आपको रूल समझाने के लिए, रूल बताने के लिए, लेकिन कुछ लोग आते हैं आपको इतिहास बनाने के लिए, और इतिहास बनाते हैं और वो अपने बारे में पढ़ाता है आपको कि मैं कौन हूँ, आप खुद उसको सर्च करके देखते हैं। जो कि फिजिक्स वाला है जो कि हमारे अलग सर है, तो उन्होंने इतिहास बनाया है क्योंकि वो लीडर भाई है और लीडर लोग इतिहास बनाते हैं, झुकते नहीं है या डर के भागते नहीं है, लीडर लोग तो खुद इतिहास बनाते हैं, जो कि हमारे थे फिजिक्स वाला। और फिजिक्स वाला ने इतिहास बनाया है जो कि सारे स्टूडेंट लोग जानते हैं और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी कैसे खड़ा किया। तो ये सीरीज एक मस्ट वॉच है मैं बोलूंगा अगर आप स्टूडेंट हो तो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये सीरीज जरूर देखो, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो फिर भी ये सीरीज जरूर देखो क्योंकि सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज काफ़ी अच्छी है और इंस्पायर्ड करती है आपको कि आपके लाइफ में कितना भी चाहे डाउनफॉल चल रहा हो, चाहे कितना भी आप नीचे महसूस कर रहे हो अपने आपको कि मैं गिर गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद भी आप उठ के एक नज़र से नज़र मिला के आप उठ सकते हो लाइफ में और कुछ कर सकते हो। जब फिजिक्स वाला कर सकता है डाउनफॉल के बाद तो आप भी कर सकते हो। तो ये सीरीज बहुत ही मस्ट वॉच है, आपको इंस्पायर्ड करती है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सीरीज देखना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर फिजिक्स वाला के आप फैन हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि स्टूडेंट मैं भी हूँ और आप भी हो, तो स्टूडेंट स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, चलता हूँ।